बड़े नसीबों से चुराया है हमने, किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन विद अनदर व्लॉग आई एम हेयर। तो गाइस, आज है वैलेंटाइन डे। वैसे मैं इस डे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती, क्योंकि प्यार का कोई एक दिन नहीं होता। प्यार तो हर वक्त, हर रोज़, हर दिन बांटना चाहिए। आज मेरे हस्बैंड का मूड जो है बहुत सिंगिंग का हो रहा है, तो बहुत सॉन्ग सुनाए जा रहे थे मुझे। मैंने सोचा एक रिकॉर्ड कर लूँ, वीडियो में काम आएगा। और वैसे सिंगिंग इनकी ये हैबिट भी है, तो हर वक्त ही सुनाते रहते हैं। एंड खैर, मैंने सोचा आज मैं कुछ मीठा बना लूं, जिससे घर वाले भी खुश हो जाएं और मेरे हस्बैंड भी खुश हो जाएं। तो मैंने सोच लिया है कि मैं आज ज़रदा बनाऊंगी, ज़रदा इन टैप्स स्टाइल जी। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं चावल, और ये मैंने 2 ग्लास चावल निकाले हैं, क्योंकि हमारे घर में कम लोग हैं, तो ज़रदे के लिए बस इतना ही काफ़ी होगा। आप अपने हिसाब से भी चावल ले सकते हैं, जितने आपको ज़रूरत हो। और चावल जो है, हमेशा बिरयानी या ज़रदा कुछ भी बनाएं, वो उसमें आप सेला चावल यूज़ करें। उससे आपके चावल जो हैं टूटेंगे नहीं और अलग अलग से रहेंगे, जैसे कि आप बाहर देखते हैं बिल्कुल वैसे ही आपके चावल रहेंगे अगर आप सेला यूज़ करेंगे। बासमती भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सेला यूज़ करती हूँ, मुझे ज़्यादा वो अच्छा लगता है। एंड अब मैं इसे कर लूँगी वॉश, और वॉश कर कर मैं इसको अलग रख दूँगी, और फिर मैं बाकी के काम करूँगी। एंड अब हम जो है मूव करते हैं अपने स्टोव की तरफ। यहाँ पर मैंने एक डेचकी में पानी डाल के चूल्हे पे रख दिया है, तेज़ आंच पे। जब तक इसमें बॉईल नहीं आता, हम इसमें पानी चावल नहीं डालेंगे। एंड यहाँ पर मैंने चावल भिगो दिए थे, धो के रखे हैं यहाँ पर, अच्छे से धो लिए थे। एंड देख सकते हैं आप कि कितने ये जो हैं क्लीन धोए हैं। अब जो है इसको हम एक ये जो देचकी थी इसमें बॉयल आ चुका था, अब हमने ये चावल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जब तक इसको हम बॉयल करेंगे, जब तक एक कनी बाकी ना रह जाए। जब एक कनी रह जाएगी तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, एंड फिर इसमें हम अपना जो है फूड कलर ऐड करेंगे। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप वो ऑरेंज एंड येलो दोनों मिक्स करें या सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज कलर करें। चलें जी, जब तक ये होते हैं बॉयल, हम अपनी दूसरी तैयारियां कर लेते हैं जी। तो हमारे चावल जो थे वो हो गए थे बॉयल, तो मैंने स्ट्रेन कर लिया उसे। अब मैंने जो है इसको एक परात वगैरह में निकाल के रख लिया है, इसमें अभी एक कनी बाकी है। अब मैं इसके अंदर जो है फूड कलर ऐड करूँगी, और मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर था अवेलेबल, तो मैं इसके अंदर वही ऐड करूँगी, और अच्छे से ऐड करूँगी कि सारे चावलों में जो है वो कलर ऐड हो जाए। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने फूड कलर अच्छे से इसके अंदर ऐड कर लिया है। एंड हाफ़ चावल जो है वो मैंने पतीली में निकालनी है, एंड हाफ़ जो है वो परात में ही रखे हुए हैं, क्योंकि अब वक्त है इसमें शुगर ऐड करने का। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इसमें जो है 2 ग्लास चावल लिए थे, तो मैं 4 ग्लास जो है वो शुगर ऐड करूँगी, और अगर मुझे कम लगी तो मैं और भी ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे ससुराल में जो है वो शुगर ज़्यादा खाई जाती है और मीठा ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये ग्लास मैंने यहाँ पर डाला है, मेरे ग्लास का साइज़ मैंने आपको दिखा दिया है कि कौन सा ग्लास मैंने इसमें ऐड किया था। एंड यहाँ पर जो है मैंने शुगर इसमें मिला ली है, और मुझे और नीड होगी तो मैं और भी डालूँगी। चलें जी, बाकी के राइस भी जो है वो मैं इसके ऊपर तह लगा दूँगी, और उसके बाद मैं इसको हाई फ्लेम पे जो है स्टोव पे रख दूँगी। जब तक चीनी जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक मैं इसको हाई फ्लेम पे रखूँगी। ऑलमोस्ट 5 to 8 मिनट्स में ये मेल्ट हो जाएगी, और उसके बाद मैं जो है वो चूल्हा बंद कर दूँगी। अभी मैं ज़रा इसको मिक्स कर लूँ, और यहाँ पर मैंने अच्छे से इसकी तह लगा ली है। एंड अब मैं इसको चूल्हे पे रख दिया है, एंड हाई फ्लेम पर मैं इसको रख दूँगी, ताकि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए बादाम पिस्ते ले लिए हैं, इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी, और उसके बाद वो गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर मैंने कट करके रख लिए हैं,
बादाम पिस्तों को अलग अलग, एंड ये ऊपर से मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर पिसा हुआ नारियल लिया है, मुझे छोटे वाले चमचम मिले नहीं तो मैंने बड़े ले लिए, इसके पीसेस कर लूँगी। खोया लिया है और जो है ये अशरफियाँ ली हैं। अच्छा जी, अब जो मेरे जर्दे के चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं, इसलिए अब मैं भगाड़ देने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़े से ऑयल में मैंने ग्रीन इलायची और लौंग ऐड कर लिए। जब तक ये जो है गरम होगा और भगाड़ के लिए तैयार होगा, तब तक मैं जो हूँ ये देखें आप, इसमें पिसा हुआ नारियल है, ये पिसा हुआ नारियल मैं ऐड कर लूँगी चावलों में, ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ऊपर से जो है ये अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाएगा, इसलिए अब मैं इसको जो है चावल के अंदर अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। जी, तो मैंने इसमें अच्छे से पिसा हुआ नारियल जो है वो मिक्स कर लिया है, और ऊपर से मैंने जो है भगाड़ भी दे लिया। अब मैंने इसको ट्रे में निकाल लिया है, एंड गार्निशिंग भी अब मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है। इसमें अपना जो जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी, खोया, चमचम, अशरफियाँ और नारियल, बादाम पिस्ते, सब कुछ इसमें ऐड कर लिया है, और फाइनल शक्ल इसकी ये आई है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी, तो ये मैंने निकाल ली है अपने सास ससुर के लिए, और ये मैं उनको देने जा रही हूँ। आई नो डेफिनेटली वो इससे बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको मीठा बहुत पसंद है, और ये मैंने उनके लिए सरप्राइजिंग तौर पे बनाया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और अपने लव वंस के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।